हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेव का एक जनरल डिस्क्रिप्शन लिया, जिसमें वेव का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, फिजिकल कंडीशन क्या है जिसमें हम उसको वेव कह सकें। आज हम लोग उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे एक दो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इन वेव इक्वेशन वाई इक्वल्स ए साइन ए एक्स माइनस बी टी, पहला y represents displacement, b pressure, c electric field, d magnetic field। दूसरा, वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग, फर्स्ट में पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, बी में नेगेटिव वाई डायरेक्शन, सी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, डी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है ये। तो ये जो वेव इक्वेशन दिया गया है, हम लोगों ने पिछले क्लास में जैसा डिस्कस किया था, उसके अकाउंट पर कह सकते हैं कि यहां पर ये वाई क्या है, ये है हमारा वेव वेरिएबल। और हम लोगों ने ये देखा था कि ये वेव वेरिएबल इन जनरल अलग अलग तरह के वेव में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो पोजीशन और टाइम के साथ चेंज करता है। तो यहां दिख रहा है ये पोजीशन और टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो जैसे कि इस वेव ऑन स्ट्रिंग में हमने देखा था कि वाई रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को, साउंड वेव में भी वाई रिप्रेजेंट कर सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को। लेकिन साथ ही हम लोगों ने यह भी देखा था कि वाई वहां पर प्रेशर और डेंसिटी वेरिएशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में ये वाई क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और कुछ अलग तरह का वेव होगा तो फिर वाई को अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर ये सब पॉसिबल है ना। सो ऑल आर पॉसिबल, ए बी सी डी। दूसरा जो प्रॉब्लम है इसमें क्या पूछ रहा है, वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग, यानी डायरेक्शन किधर है वेव के प्रोपगेशन का। तो यहां पर टी तो टाइम है, लेकिन लिखते वक्त y और x आ रहा है ना, तो एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि क्या वेव ये y y कोऑर्डिनेट है स्पेस का। बिल्कुल नहीं, हम लोग ये देख चुके हैं कि ये वेव वेरिएबल है, इसलिए y डायरेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये y यहां पर वेव वेरिएबल है, स्पेस कोऑर्डिनेट नहीं है। और वेव किधर जा रहा है यह देखने के लिए यह देखना जरूरी नहीं है, यहां जो फंक्शन का आर्गुमेंट है उसमें कौन से कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व है, है ना। तो यहां पर एक एक्स कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व है, इसका मतलब वेव एक्स में जा रहा है। अब पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स, इसके लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स और टी का जो आया है, ए एक्स और बी टी, ये दो टर्म है, अगर दोनों टर्म के साइन सेम होंगे तो वेव नेगेटिव एक्स में ट्रेवल करेगा, और अगर दोनों टर्म के साइन अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वेव पॉजिटिव एक्स में जाएगा। यहां पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसलिए वेव किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। सो नोट इट डाउन।
दूसरा हमारा प्रॉब्लम है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ वेव, कौन से इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यानी अगर हमारे पास कुछ इक्वेशंस दिया हुआ हो तो उस इक्वेशंस को देख करके हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इसमें हमें दो बातों का ख्याल रखना है क्योंकि ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। तो एक तो कि वो मैथमेटिकली वेव होना चाहिए, यानी मैथमेटिकल जो उसका क्राइटेरिया है, मैथमेटिकल कंडीशन, उसको फुलफिल करना चाहिए। और दूसरा जो हम लोगों ने फिजिकल कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था उसको फुलफिल करना चाहिए। क्या कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया था? इन शॉर्ट मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर दूं कि हम लोगों ने देखा था कि वेव वेरिएबल का सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वेव वेरिएबल विथ स्पेस कोऑर्डिनेट। और इसका एक जो जनरल पॉसिबल सॉल्यूशन है वो कुछ इस फॉर्म में आता है, ट्रैवलिंग वेव के लिए, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड टी। और मैथमेटिकल कंडीशन हो गया। फिजिकल कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि वाई क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये फाइनाइट होना चाहिए, ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और बॉन्डेड होना चाहिए फॉर द गिवन डोमेन ऑफ एक्स एंड टी। अगर डोमेन गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग इंटायर रेंज लेंगे, इंटायर डोमेन लेंगे एक्स का, यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। अब हम लोग यहां पर कुछ फंक्शंस को लेकर के डील करेंगे, कुछ इक्वेशंस को लेकर के डील करेंगे। जैसे हमने पहला इक्वेशन लिया वाई इक्वल्स एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर। अब ये वेव है या नहीं है इसको चेक करेंगे, तो यहां पर हम लोग दोनों कंडीशन की बात करेंगे, मैथमेटिकल कंडीशन एंड फिजिकल कंडीशन। तो मैथमेटिकल कंडीशन में यहां चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर एक्स और टी का हम क्या देख रहे हैं, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो मैथमेटिकली ये वेव है। अब आते हैं इसका फिजिकल कंडीशन। तो फिजिकल कंडीशन पर क्या है कि वाई सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूअस, फाइनाइट, बॉन्डेड होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या प्रॉपर्टी है? कि इसका जो वेव फॉर्म है वो अपना शेप नहीं बदलेगा, यानी हर टी पर सेम होगा। तो हम कोई भी टी सेलेक्ट कर लें, और सबसे आसान टी क्या होगा, जीरो सेलेक्ट करना हमारे लिए। तो टी को जीरो कर देंगे तो वी टी टर्म जीरो हो जाएगा, तो वाई बिकम्स एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर में रिड्यूस कर जाएगा। अब इसको देखना कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं और बाकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बड़ा आसान होगा कि हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर दें। अब ये फंक्शन तो बहुत इजी है, ये पैराबोलिक है, तो इसमें बड़े आसानी से दिखता है कि ये कंटिन्यूअस है और सिंगल वैल्यूड है या नहीं है। ये कैसे चेक होगा? तो वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, ये वेव वेरिएबल है, तो वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। और यहां पर क्या देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ आया है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सिंगल वैल्यूड भी है, बॉन्डेड है या नहीं और फाइनाइट है या नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि विद द इंक्रीज इन एक्स y increases और y unbounded increase कर रहा है, मतलब x अगर infinity tend हो रहा है तो y भी infinity tend हो रहा है। तो ना तो ये finite रहा और ना ही ये bounded हुआ, तो इसका मतलब ये wave को represent नहीं कर रहा है। So physically ये wave नहीं है। चलो हम लोग एक दूसरा function लेते हैं, y equals एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहां देख करके सबसे पहले दिमाग में ये आता है हम लोगों को कि अच्छा ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन है नहीं एक्स और टी का, तो ये तो वेव होगा नहीं।
लेकिन वेट अ मिनट, ये इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। इसका ये मतलब नहीं है कि केवल और केवल लीनियर कॉम्बिनेशन ही वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो जब लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं दिखे तो यू हैव टू चेक, है ना। कैसे चेक करेंगे? तो इसके मैथमेटिकल कंडीशन में जाएंगे। हम सबसे पहले डेल वाई डेल एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो डेल वाई डेल एक्स कितना होगा? तो एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये टर्म कांस्टेंट हो गया, तो इसका डेरिवेटिव 0, तो ये आएगा 2x। और यहां से हम लोग फिर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं एंड यू विल गेट 2। फिर हम लोग इसका टाइम के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो ये रिड्यूस कर जाएगा 0 में, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाहर हो गया और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। और यहां से जब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो यू विल गेट 2v स्क्वायर। अब यहां देखो कि सेकेंड डेरिवेटिव और का जो रेशियो है ना, यानी डेल 2y डेल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल 2y डेल एक्स स्क्वायर कितना आना चाहिए? ये वी स्क्वायर आना चाहिए। सो लेट अस चेक क्या आ रहा है यहां पर। देखो इट इज 2v स्क्वायर बाय 2, सो इट इज वी स्क्वायर। सो ये मैथमेटिकल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। भले ही लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है लेकिन मैथमेटिकल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ये मैथमेटिकली वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फिजिकली कर रहा है या नहीं कर रहा है? फिर इसे हम लोग चेक करें। कैसे चेक करेंगे? तो टी इक्वल्स 0 पर वाई कितना रिड्यूस कर जाएगा? इट विल बी एक्स स्क्वायर। सेम यही करवा है तो फिर हम जानते हैं कि ये फिजिकली वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नोट इट डाउन। अब देखो इसमें एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन हम लोग लेते हैं। सिर्फ यहां पर हम लोग इसका साइन चेंज कर देते हैं, यानी अब हमने लिया वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है कि ये वेव है या नहीं मैथमेटिकली और फिजिकली। तो सबसे पहले दिमाग में आता है अगर हम लोग ये बनाए तो हाँ ये तो हुआ था तो ये भी होगा, लेकिन नहीं। गौर से देखो यहां पर प्लस की जगह पर हमने माइनस किया अगर, तो यहां माइनस करने से क्या होगा? यहां पर तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसका जब टाइम के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहां भी माइनस आ जाएगा, तो यहां भी माइनस हो जाएगा, तो यहां भी माइनस हो जाएगा। अब ये इसका रेशियो तो पॉजिटिव आना चाहिए था वेव के लिए, ये निगेटिव आया। सो मैथमेटिकली ये वेव नहीं है, तो फिजिकली चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाय द वे तुम केवल फिजिकली ही चेक करना चाहते हो तो ये इसी में रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर ये नहीं होगा। तो ना तो ये मैथमेटिकली वेव है ना फिजिकली वेव है। चलो एक और फंक्शन हम लोग लेते y इक्वल्स a बाय एक्स प्लस वी टी। अब ये वेव है या नहीं है मैथमेटिकली चेक करें और फिर फिजिकली चेक करें। तो x और t का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, इसीलिए मैथमेटिकली ये वेव होगा, लेकिन फिजिकली ये वेव है या नहीं है इसके लिए हमें यहां पर देखना पड़ेगा। t इक्वल्स 0 पर y कितना आ रहा है? a अपॉन x। और इसका हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह का आया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या देख रहे हैं हम लोग? कि एक्स टेंड्स टू 0 पर वाई टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया। तो फिर यहां पर ये कंटिन्यूअस है, सिंगल वैल्यूड है, लेकिन ना तो फाइनाइट है और ना ही क्लोज है, इसीलिए यहां पर ये फिजिकली वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल। अभी मैंने लिया वाई इक्वल्स ई टू द पावर माइनस, पहले मैं लॉन फॉर्म में लॉगरिथमिक लॉन ए एक्स माइनस
बीटी, ये मैथमेटिकली वेव है या नहीं है इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां दिख रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड टी, सो इट इज मैथमेटिकली अ वेव। लेकिन फिजिकली ये वेव है या नहीं है, फिर हमें क्या करना होगा, टी इक्वल्स 0 पर वाई देखें तो ये आया लॉन एक्स, और यहां पर अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ आएगा, ये लॉग का ग्राफ है। अब यहां पर एक्स क्या, ये एक्स वन आया तो वाई 0 होगा, तो ये हो गया 1/a। तो यहां पर अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 1/a से इनफाइनाइट तक लेते हैं, तो इस स्थिति में y का वैल्यू फाइनाइट आएगा, यहां से ये फाइनाइट, तो कंटिन्यूअस था ही, सिंगल वैल्यूड है ही, लेकिन इस डोमेन में y फाइनाइट है और क्लोज्ड है, लेकिन यहां पर हमें डोमेन दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर x 0 से इंफिनिटी तक लेते हैं तो फिर y हमारा फाइनाइट नहीं होगा, तो इसलिए इन जनरल ये फिजिकली वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब अगर हमने कुछ इस तरह का फंक्शन लिया e टू द पावर माइनस ए एक्स माइनस बी टी का हो, बी टी, अब यहां पर ये मैथमेटिकली वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फिजिकली वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैथमेटिकली चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, सो रिप्रेजेंट्स मैथमेटिकली अ वेव। फिजिकली है या नहीं इसको चेक करने के लिए फिर टी इक्वल्स 0 पर हमने इस फंक्शन को रिड्यूस किया, ये आया माइनस ए एक्स। अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, और ये 1 पर इंटरसेक्ट करेगा। फिर यहां पर अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक लेते हैं तो वाई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो इस स्थिति में ये सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूअस, फाइनाइट और क्लोज्ड है इस डोमेन में। लेकिन अगर हम लोग एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक लेते हैं तो फिर वाई फाइनाइट नहीं होगा, और इस स्थिति में ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सो इन जनरल यह इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। राइट इट डाउन। Let us take few more examples. Y equals e to the power minus AX minus BT का होल स्क्वायर। अब ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं मैथमेटिकली और फिजिकली, ये हमें चेक करना है। तो अगेन हमें मैथमेटिकली चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन है, सो ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फिजिकली कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, टी इक्वल्स 0 पे वाई लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखो ये जो फंक्शन आया ये फंक्शन सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट, बिकॉज एक्स का स्क्वायर है, सो एक्स पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें वाई का सेम वैल्यू आएगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। सो इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, अब यहां पर ये कंटिन्यूअस है, सिंगल वैल्यूड है, फाइनाइट है और क्लोज्ड है, सो ये एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो मैथमेटिकली भी कर रहा है और फिजिकली भी कर रहा है ना। तो हालांकि ये वेव को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन ये वेव है नहीं, है ना, कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। बेसिकली ये क्या है, एक पल्स है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं y इक्वल्स a अपॉन b प्लस x माइनस vt का होल स्क्वायर। फिर हम लोग देखते हैं कि ये मैथमेटिकली वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, और फिजिकली वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैथमेटिकली चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर x और t का लीनियर कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिजिकली हमें चेक करने की जरूरत है। टी इक्वल्स जीरो पे वाई रिड्यूस कर जाएगा ए बाय बी प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो, क्या हो रहा है यहां पर, फिर ये सिमेट्रिक कर्व आ जाएगा क्योंकि यहाँ एक्स का स्क्वायर है। एक्स पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, वाई फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स सेम आएगा। तो यहां पर अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, और फिर ये सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस फाइनाइट एंड क्लोज्ड है। सो ये फिजिकली वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर जो वाई का मैक्सिमम वैल्यू है वो ए बाई बी आया, और मिनिमम वैल्यू क्या आया, जीरो आया। यानी यहां पर अगर हम लोग कहें कि एक्स को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक रखते हैं तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, यहां पर वाई का वैल्यू आ रहा है जीरो से लेकर के ए बाई बी तक, है ना। और उसी तरह यहां पर हम लोग देख सकते थे कि एक्स का वैल्यू अगर हम लोग माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक रखते हैं तो वाई का वैल्यू मैक्सिमम तो यहां वन होगा, है ना, तो जीरो से वन तक वैरी करता है। तो ये फिर क्लोज इंटरवल में है। तो ये एक वेव है, हालांकि ये भी क्या है, एक पल्स ही है ना। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा मिलता जुलता, कि ए एक्स अपॉन बी प्लस एक्स माइनस वीटी का होल स्क्वायर। अब ये है या नहीं है, तो मैथमेटिकली थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ गया, तो हम उसको फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो रिलेशन है उस पर सेट करेंगे, एक्स के साथ और टी के साथ इसका निकाल के चेक करेंगे, तो ये मैथमेटिकली वेव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिजिकली देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो टी इक्वल्स जीरो पर सेलेक्ट करते हैं, तो वाई आएगा ए एक्स बाय बी प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर इसी की तरह है ना, लेकिन ऊपर में एक्स है, तो इसके एक्स के पॉजिटिव और निगेटिव होने से फर्क नहीं पड़ता है वाई के साइन पर, लेकिन इस एक्स के पॉजिटिव होने से वाई पॉजिटिव होगा, एक्स के निगेटिव होने से वाई निगेटिव होगा, और एक्स जीरो पर वाई जीरो आ रहा है, इसीलिए ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन किस एक्स के अबाउट, किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, है ना। तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, और अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो इट इज समथिंग लाइक दिस। आगे के लेक्चर्स में बहुत जगह हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन तरह इस तरह के ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं, अभी फिलहाल हमें ये देखना है। तो यहां पर ये भी एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, सिंगल वैल्यूड है, फाइनाइट है और क्लोज्ड है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट इट डाउन। हमने फंक्शन चुना y इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
हालांकि यहाँ पर सर्टेन कंडीशन हमें देखना होगा। कंडीशन यही है कि यहाँ पर x माइनस वी टी का जो मॉड है ना, ये वैल्यू a से छोटा होना चाहिए, है ना, और इक्वल टू हो सकता है। अब ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसे देखें? फिर हमें देखना पड़ेगा कि मैथमेटिकली कर रहा है या नहीं, फिजिकली कर रहा है या नहीं। तो मैथमेटिकली और फिजिकली चेक करेंगे। तो मैथमेटिकली चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर एक्स और टी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, सो मैथमेटिकली है। और फिजिकली चेक करने के लिए क्या करें हम लोग, टी इक्वल्स जीरो पर वाई का ग्राफ बना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अब देखो यहां पर कि एक्स जब हम लोग जीरो लेते हैं तो वाई का वैल्यू ए आता है, और वाई जीरो कब होगा, जब एक्स का वैल्यू प्लस ए हो या माइनस ए हो। तो ये माइनस है, ये प्लस है। अब ओरिजिन से ये इक्वल डिस्टेंस पर है, इनफैक्ट अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ तो ये सेमी सर्कुलर बनेगा, ग्राफ विल बी सेमी सर्कुलर। ये तुम यहां थोड़ा सा अगर हम लोग इसको मॉडिफाई करें इक्वेशन को, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ए वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर। ये पढ़ा होगा तुमने, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब यहां पर देखो फिर ये कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यू फाइनाइट और क्लोज्ड है, तो ये भी एक पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये भी पल्स है ना। तो अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सारा पल्स को देख लिया। एक एग्जांपल में ऐसा चुनता हूं जो पल्स नहीं है, इक्वल्स ए साइन ए एक्स माइनस बी टी। अब ये मैथमेटिकली वेव है या नहीं है और फिजिकली ये वेव है या नहीं है, सो वी हैव टू चेक। तो एक तो एक्स और टी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो मैथमेटिकली ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिजिकली कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी हम बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? टी इक्वल्स जीरो पे वाई आएगा ए साइन ए एक्स, और ये तो साइन का कर्व है, ये तो तुम लोग बिल्कुल जानते हो बनाना, एस एच एम में ढेर सारा बनाए होगे। तो वाई और एक्स का ग्राफ अगर बनाए तो यहां पर ये मैक्सिमम प्लस है और मिनिमम माइनस है तक जाएगा, है ना, और यहां पर ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो फिर क्या देख रहे हैं, सिंगल वैल्यूड है ना, कंटिन्यूअस है, फाइनाइट है और क्लोज्ड है ना। एक्स का वैल्यू अगर हम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक देखते हैं तो करेस्पॉन्डिंगली वाई का वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में क्लोज रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये भी फिजिकली एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये पहले की तरह पल्स नहीं है ना, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है और इनफाइनाइटली फ्लक्चुएटिंग है ना। तो ये असल में एक वेव है, इसको हम लोग कहते हैं साइनसॉइडल वेव, है ना। असल में ये वेव ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वेव ट्रेन है। तो इस तरह हम लोगों ने बहुत सारा फंक्शन लिया। तो इन फंक्शंस को लेने के पीछे हमारा मकसद था कि हम लोग ये अच्छे तरह से देख लें कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो वह इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिजिक्स में दोनों कंडीशंस रिक्वायर्ड है, मैथमेटिकल कंडीशन एज वेल एज फिजिकल कंडीशन।
अगर वो मैथमेटिकल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन फिजिकल कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। थैंक यू।